लोकतंत्र की मशाल को हमेशा ऊंचा रखेगा, भारत की एकता अखंडता की मशाल को हमेशा ऊंचा रखेगा। ये अडानी की सरकार देश के लोकतंत्र को नहीं बेच सकती है, इसको समाप्त नहीं कर सकती है। हम उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को बड़ा वाले लोग हैं, इन लोग को बड़ा बना कर रखे हैं। हम लोग उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम लोग आजादी के दीवाने हैं और हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए उतरे हैं। हम आपकी भी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह से लोगों की आवाज दबाई जा रही है, कितने महिलाओं की सामंतवादी सोच की आज जो संघ परिवार की सोच की, देश अभी आजाद नहीं है, ये लोग आजाद नहीं है, लोग आजाद नहीं है, सारे इंस्टीट्यूशन आजाद नहीं है। जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है उनको कब्जा कर लिया गया है और इसका एक ही फॉर्मूला है, नार्सिसिक एथिक्स को लेकर इन लोग कर रहे हैं। और एक इतिहास में जब तक एक बार ऐसा हुआ है कि एक नार्सिस्ट होम मिनिस्टर बना है, और जब तक ऐसा होता रहेगा लोकतंत्र को हमेशा खतरा रहेगा। ये बस दिखावे की जो राजनीति है इनकी कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी जिंदा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेमोक्रेसी को पूरा मार दिया गया है। हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री, जनता कहाँ खुश है? जनता मीडिया दिखा कहाँ रही है जनता के बारे में? जनता के बारे में कहाँ? जो 10 चुने गिने चुने लोग हैं उनको दिखाया जा रहा है और मीडिया सिर्फ लोगों को बरगला रही है, लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, और जो मेन मुद्दा, जो मेन न्यूज है उसको वहाँ से बचा लिया जा रहा है। काम कर रहा है ये, इस देश का जनता आप लोगों के लिए कभी जिंदगी में माफ नहीं करेगा। ये सरकार को समझना चाहिए, आने वाले दिन के चुनाव में इनको जवाब सड़क पे देने का काम। और कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, उस चुनाव से इस बीजेपी को जवाब देने का काम कर्नाटक का जनता करेगा, वहाँ का कांग्रेस पार्टी का काम करने का काम करेंगे। अभी किस तरीके के मैन हैंडल के साथ कम से कम 70-80 लड़कों लोग कल इंजूर हुआ है, किस तरीके के दिल्ली पुलिस ने इस देश का युवा का आवाज दबाने के लिए कोशिश करता है बार बार, एक व्यक्ति के लिए, एक अडानी के लिए पूरा सरकार, पूरा मंत्री संतरी सारे उनके लिए खड़ा है। इस देश को डुबाने का काम किया, SBI का पैसा डुबा रहा है, LIC का पैसा डुबा रहा है, तमाम ऐसे जो PM केयर फंड का भी डुबाने का काम किया है। जो हमने आवाज उठाता है, राहुल गांधी जी फरवरी 7 तारीख को पार्लियामेंट में आवाज उठाया, तब से राहुल गांधी जी का जो स्टे था केस जो सूरत कोर्ट में, उसको वैकेंट कराया, 17 तारीख को बुलाया, उसके बाद में शॉर्ट नोटिस में इन लोग ने डेट दिया और जज चेंज कर दिया, और जजमेंट के बाद 24 आवर्स के अंदर जो डिस्क्वालीफाई किया है। ऐसे कौन से कानून में साहब 30 दिन आप लोग ने समय दिया जो अपील जाने के लिए, 30 दिन देने के बाद में 24 आवर्स के अंदर आप लोग ने किस तरीके का जब डिस्क्वालीफाई करने का काम किया, ये देश का जनता देख रहा है। आपका बहुत हो गया, एक बार मेकअप करके कितने बार ड्रामा कर सकते हैं, आपका मेकअप उतर गया है जनता के सामने, जनता आपको कभी माफ नहीं करेंगे। सरकार अन्याय सरकार है, अत्याचारी सरकार है, ये डरती है, कायर है, डरपोक है, बुजदिल है, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, किसानों को नहीं सुनना चाहती, गरीबों को नहीं सुनना चाहती है। कौन सा ऐसा कारण है? राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई, 2 साल की सजा कर दी गई, पहले मुझे निशाना बनाया, 1 साल की सजा ऐसे ही 2600 करोड़ का निकाला हुआ था, मैंने 7 सवाल सरकार से पूछे थे, मुझे भी 1 साल की सजा। क्या इस सरकार से सवाल पूछना गलत है? हम लड़ेंगे राहुल जी के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए।
गरीबों नरेंद्र मोदी मुर्दा बोल कोई भी कुर्बानी देंगे नरेंद्र मोदी चोर है संघर्ष करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद जो है वो हिल जाएगा। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी, उन्हें जेल भेजने की तैयारी है, सरकारी बंगला खाली कराया जा रहा है और राहुल गांधी फिर भी खामोश नहीं हो रहे, डर नहीं रहे, वो आगे बढ़ रहे हैं। स्मृति ईरानी कह रही है अकड़ है राहुल गांधी की। अरे उसकी कोई औकात नहीं है, जब महिलाओं के बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारी हत्यारों को मंच पे बिठाया गया, स्मृति ईरानी एक मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है और राहुल गांधी के पीछे हाँ उस चुड़ैल को छोड़ दिया जाता है। हाँ सिली सोल बार क्या कर रही थी गोवा में, क्या हो रहा था गोवा में, बिना लाइसेंस के मृत आदमी के नाम से बार चलाया जा रहा था और उसमें बीफ बीफ सर्व किया जा रहा था। इनको बेनकाब करेंगे तो ये पुलिस के दम पर हमें धकेलते जा रहे हैं। देखिए कहां लाल किले से लेकिन आपने एक तरफ कहा था शांति को डरना होगा लेकिन अब यहीं पे पुलिस अशांति फैला रही है। हम निहत्थे हैं, अकेली हूँ, देखिए धकेले जा रहे हैं। देखिए पुलिस की तरफ दिखाइए, पुलिस तो दिखाइए, मैं अकेली निहत्थी पुलिस दिखिए, मैं अकेली निहत्थी इतनी पुलिस। आएंगे सब आएंगे सब आएंगे सब आएंगे सब आएंगे, लोकतंत्र की इस आवाज को जिंदा रखने के लिए सब आएंगे और सब आ भी चुके हैं। लोगों को बसों में भर भर के पुलिस ले जा रही है, कहां ले जा रही मालूम नहीं। मैंने कहा है 7 बज गए हैं, महिला हूं, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, अकेली हूं, निहत्थी हूं, चांदी चौकी विधायक रही हूं, मेरे लोग मुझसे मिलने आए हैं, मुझसे बात करने आए हैं, लोकतंत्र के बारे में चर्चा करने आए हैं, आप बात नहीं करने दे रहे, चर्चा नहीं करने दे रहे हैं और महिला पुलिस से खींच खींच के। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।